Hey everyone, welcome back to the channel. This is Sanket and I hope you all are good. So today it's 27th of September 2020 and basically it's a Sunday, so why not ride? Abhi baj chuke almost 12:30 and I'm planning to go for a short ride to Hazira, which is around 20 kilometers from here. So Hazira basically एक industrial area है, but मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी places है जहाँ पे मैं explore कर सकता हूँ. So I'm taking my GoPro and drone along with me. And अभी कोई बड़ी ट्रिप प्लान नहीं कर सकता बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस सिचुएशन. बट डेफिनेटली फ्यूचर में अगर सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो आई विल प्लान अ बिग राइड. और छोटी राइड नहीं, मतलब बड़ी राइड, लाइक 1,000, 1,200, 1,500 किलोमीटर्स. सो अभी के लिए मैंने अपना जैकेट और सब मैंने पैक कर लिया. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो. ये है अपना GoPro, चार्ज हो रहा है अभी. ये इसका अडेप्टर माइक है और ड्रोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है. सो इसको निकाल देता हूँ, इसको वापस पैक कर देता हूँ. सो ये आ गया है अपना टैंक बैग. टैंक बैग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना ड्रोन डालना है, ड्रोन बैग इसमें डालना है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर मी. ओके, सो ये रही अपनी बाइक. चलो फटाफट इस पर माउंट करते हैं. और हाँ, मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है तो मैं GoPro से व्लॉग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी जो पहले जो मेरे पास सेल्फी स्टिक थी वो टूट चुकी है. सौरभ, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, सॉरी ब्रो, तेरी सेल्फी स्टिक टूट चुकी है. ये सैनिटाइज़र की बॉटल को हम रख लेते यहाँ पे. और जैसे कि मैंने अपने मोटरसाइकिल गियर्स वाले वीडियो में बताया था कि इस टैंक बैग के पीछे ये जो है मैग्नेट्स है. सो पहले भी मेरी जो टैंक है वो ख़राब हो चुकी है. सो अभी मैं इसको सिर्फ यहाँ पर माउंट करूंगा और फिर मैं अपने जो ये क्लिपॉन्स है वो लगाऊंगा. सो ऑल सेट टू लीव. अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा. दो दिन से मैंने स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा वार्म अप करते हैं. वैसे इतनी लंबी राइड पे जानी नहीं है जो मैं इतना वार्म अप कर रहा हूं, बट स्टिल. सो दिस इज़ हाउ माय टैंक बैग लुक्स ऑन द बाइक. और मैं GoPro से इसलिए व्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्टली तो मेरी वो सेल्फी स्टिक टूट चुकी है और सेकेंडली बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई है. सो GoPro से फिर शूट नहीं कर पाऊँगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब निकलते हैं. ओके, सो ग्लव्स आर ऑन. जय माता दी. सो सबसे पहला काम जो है वो है पेट्रोल भरवाना. सबसे पहले पेट्रोल भराना पड़ेगा. और मेरी वॉइस जो है आपको काफ़ी अनक्लियर, मतलब थोड़ी अजीब सी आ रही होगी क्योंकि मैंने मास्क पहना है और उसके बाद जो माइक है वो मेरे मुंह पे अड़ रहा है. और जो व्यू है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जो व्यू है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा क्योंकि मैंने इसके सक्शन, सॉरी, जो इसके जो माउंट्स है वो मैंने अभी तक नहीं मंगवाए हैं. मुझे मंगवाने हैं बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है. तो एंगल ऑफ व्यू है वो काफ़ी अजीब सा आ रहा होगा, नीचे का आ रहा होगा. पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ना जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रख रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट द व्यू. और टैंक बैग सेट है, अभी पेट्रोल भरा लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना फ़ोन डालूंगा इसके अंदर और फिर GPS यूज़ करने में थोड़ी इजी हो जाएगा. मैं सोच रहा हूँ मैं अपना मास्क निकाल दूँ, अकेला तो हूँ, अभी मास्क की क्या ज़रूरत है. ओके, सो मैंने पेट्रोल भरवा लिया. एक्चुअली मैंने अपना हेलमेट उतारा था अपना मास्क निकालने के लिए. सो यार क्या तकलीफ़ है. ओके, गुड टू गो. सो अब राइड स्टार्ट करते हैं. किलोमीटर्स हो चुके हैं 9954. सो लेट्स सी आज कितने किलोमीटर्स करते हैं अपने. सो बेसिकली ये है हज़ीरा ब्रिज. सूरतीज जो है आउटिंग के लिए यहाँ पे शाम के टाइम या अर्ली मॉर्निंग में आते हैं.
क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा व्यू दिखता है। और ये है ONGC प्लांट। कुछ दिन पहले यहाँ पे आग लग गई थी, बट इट वॉज अंडर कंट्रोल इन लाइक 5 or 6 hours। बट पीपल से कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी जब ब्लास्ट हुआ था तब। बट मैं तो आराम से सो रहा था, 3:15 बजे रात को हुआ था ब्लास्ट, तो मुझे तो कुछ पता नहीं चला। हज़ीरा पहुँच चुके हैं और यहाँ पे रास्ते काफ़ी ख़राब है कहीं कहीं पे। और ये जो 3 बम्पर आते हैं ना, वो इतने इरिटेटिंग लगते हैं। 2 तो पूरा 1 बम्पर दो, वो भी बड़ा वाला। आई एम रेडी फॉर इट। 3 छोटे बम्पर देने का क्या मतलब है? सो क्रिप्को फर्टिलाइज़र कॉम्प्लेक्स। एंड मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी बाइक लेके कहीं निकला हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार ये संडे मैं सापुतारा जाऊँगा, ये संडे मैं डॉन हिल स्टेशन जाऊँगा, और कुछ भी प्लान नहीं हो पाया। और आज फाइनली मैंने सोचा कि 2-3 घंटे का टाइम है तो निकल जाता हूँ तुरंत, नहीं तो फिर आज भी नहीं निकल पाऊँगा। सो ये देखो इतना बड़ा प्लांट है यहाँ पे, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। यस, सो अभी अपन टर्न ले रहे हैं टुवर्ड्स सुवाली बीच। डुमस बीच वैसे तो बंद रहता है, बट लेट्स सी आज सुवाली बीच भी बंद है या चालू है। नाइस। अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, उसी का ही पानी है ये। सो संडेज को यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है सुवाली बीच पर, और आज मंडे है। आज तो संडे ही है। ओके अच्छा, मैं बहुत ऑड टाइमिंग्स पे आया हूँ। इट्स लाइक ओ शिट 1:30 आई थिंक। लेट्स सी आज सुवाली बीच चालू रहता है या नहीं। इधर का जो रोड है वो बहुत मस्त लगता है मुझे, क्योंकि पूरा जंगल टाइप का है। और रात को तो यहाँ पे अगर आ जाओ तो मज़ा ही आ जाए। ओ सो द बीच इज़ क्लोज्ड। सो द बीच इज क्लोज्ड वाली बंच है। अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। ओह यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ओहो भाई साहब, कितनी मिट्टी उड़ाओगे हैं? नाइस। ये कौन सी जगह है? कमेंट करके बता देना अगर पता हो तो ये कौन सी जगह है। ये मैंने टाउनशिप अच्छी है। ये कहाँ आ गए? हजीरा के एंड पे आ गए मुझे लगता है। SR पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स। यस, SR पोर्ट पे आ गए हम, और आई थिंक यही एंड है। ये तो कोई गांव में आ गया ऐसा लग रहा है। ये तो मुझे लग रहा है बहुत कहीं पे एंड पे आ गए हैं। ये रास्ता कहाँ जाता है आई डोंट नो, बट लेट मी सी कहाँ जाता है, कितना दूर जाता है। ओके काफ़ी सुनसान है। अब आई डोंट नो, आई शुड फ्लाई माई ड्रोन हेयर और नॉट। अगर ड्रोन रेस्ट्रिक्टेड एरिया हुई
तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। और सब जगह मिट्टी है, और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा पोर्ट है। ओके, सो मैं अभी अपना ड्रोन निकाल रहा हूँ, बहुत गर्मी है, सो आई थिंक ड्रोन भी बहुत गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका व्यू बहुत मस्त आएगा आई थिंक, सो लेट्स ट्राई। सो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फ्लाई माई ड्रोन हेयर, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है इस ड्रोन को उड़ने से रोक रही है। सो कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई करेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं, इतनी मिट्टी है कि फ़ोन पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका है। आई थिंक मैंने कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया है, और रास्ता बहुत ख़राब है। रिटर्न आते वक्त मैंने कोई अलग ही रास्ता पकड़ लिया, और पता नहीं ये कहाँ जाके निकलेगा। आई होप ये सही रास्ते पे निकले, नहीं तो मुझे वापस करीबन 2 किलोमीटर इस तरह के रास्ते पर चला के जाना पड़ेगा। ये है कि वो है भैया बाहर जाने का रास्ता। चलो भाई साहब ने बताया ये रास्ता पकड़ो और निकलो निकलो, कहीं भी आ जाते हो, कहीं भी घुस जाते हो। आराम से टेक इट इजी बॉय। यस, ये वो रास्ता था। अच्छा मैं गया था सीधा, ओके, और मैं आया हूँ शॉर्टकट लेके। वाह वाह, और शॉर्टकट मेरे ही पल्ले पड़ते हैं ऐसे रास्ते। चलो एनीवे आ गया भाई साहब। ये क्या इतना बड़ा, व्हाट इज दिस, बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी। जहाँ मैं अपना ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे तो इतने ट्रक्स थे, हर सेकंड एक ट्रक हो, ऐसा लग रहा था ट्रक की रैली निकली हो। और वहाँ पे मैं ड्रोन नहीं उड़ा पाया, अगर उड़ाता तो शायद कुछ अलग देखने को मिलता। वहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट है, और यह है हज़ीरा का आई थिंक मेन जो प्लांट, मेन एरिया। तो अभी जस्ट मैंने नोटिस किया कि बाइक 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, और मैंने यहाँ पे करीबन 50 किलोमीटर चला लिए हैं। वैसे ज़ीरा में ऐसे कुछ एक्सप्लोर करने जैसी जगह तो कुछ नहीं है, बस ठीक है, यहाँ पे देख लो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, और यहाँ पे अगर आपको ऑफ रोडिंग करने आने हो तो आ सकते हो बाइक पे। वेल, बेसिकली मेरा ये भी इंटेंशन था निकलते वक्त कि मेरे को ऑफ रोडिंग भी मिलेगी। सो क्या बोलते हो भाई लोग, यहाँ ड्रोन उड़ाया जाए? व्यू तो अब क्या है कि व्यू तो अब क्या आएगा, बट उड़ा सकते हैं यहाँ पे। नहीं यार, ये इतने सारे तार है यहाँ पे तो शायद ही उड़ेगा ड्रोन। सो यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ उड़ाने की ड्रोन, जल्दी खुल जा। ओके, सो रेडी टू फ्लाई, इग्नोर। और उड़ गया फाइनली, होम पॉइंट हैज बीन अपडेटेड, सो लेट्स गो। अरे कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ जा। Exited GPS mode. सो गाइज, अभी हुआ ये
कि मेरे GoPro मेरे ड्रोन ने क्रैश कर दिया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही थी इसके वे में। सो ये वहाँ जाके जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे भाई साहब कहाँ जाके क्रैश हुए हैं। मैंने ट्राई किया बचाने का, पर अंदर यहाँ पे जाके जो है ड्रोन क्रैश हुआ है। मैं तो एकदम डर गया था, शिट ये इसकी ब्लेड्स नहीं ख़राब हो गई ऊपर, मतलब बहुत ही माइनर सा क्रैश था। आई डोंट थिंक कि इसको कुछ हुआ होगा। अब इसको संभाल के रख देते, यहाँ तो बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे, कहीं और उड़ाएंगे। आई एम गोइंग बैक टू माई होम। काफ़ी छोटा सा ये 2 घंटे का ट्रिप था और ऑलमोस्ट मैंने जो है 50+ किलोमीटर्स तो कर चुका, और अब घर पहुँचते पहुँचते आई थिंक टोटल 70 हो जाएंगे, बिकॉज 20 से ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं होंगे मेरा घर पहुँचने में। ओके सो आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग माई होम, एंड आज की जो राइड हुई है वो अराउंड 80 किलोमीटर्स की हुई है, और आई विल ट्राई पोस्टिंग न्यू वीडियोज़ एवरी संडे और मंडे एज एंड व्हेन पॉसिबल। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना। स्वीति का 5th पार्ट जल्दी आएगा, मेरी एडिटिंग चालू है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। लो जी आ गए घर, या GoPro stopped recording.